हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन मंडल आर्ट। और मैं आपकी फ्रेंड प्रज्ञा। मैं आपको पूरा, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, मैं आपको फोटोशॉप से लेकर के एनिमेशन तक के सारे कोर्सेज कराने वाली हूँ। तो इसके लिए आपको मेरी वीडियो शुरू से बिल्कुल ध्यान से देखनी पड़ेगी, क्योंकि मैं स्टेप बाय स्टेप बता रही हूँ। हर वीडियो में कुछ ना कुछ है, आप हर वीडियो को देखें। और आज मैं आपको बताने वाली हूँ फोटोशॉप में ब्रश कैसे बनाते हैं। सबसे पहले हम फोटोशॉप ओपन करेंगे, और फोटोशॉप में हम सबसे पहले यहाँ से आके न्यू पेज लेंगे। मैंने ऑलरेडी ले रखा है पेज। और फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैं आपसे थैंक यू कहना चाहती हूँ। आप जो भी मेरे वीडियोस को देखते हो, लाइक करते हो, शेयर करते हो, सब्सक्राइब करते हो, थैंक यू सो मच। और जिन लोगों ने मेरी वीडियोस नहीं देखी है, प्लीज़ 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 आप मेरी वीडियो देखो और लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच। हाँ, तो अब मैं बताती हूँ आपको ब्रश कैसे बनाते हैं। सबसे पहले मैंने आपको ऊपर रेक्टेंगल टूल के बारे में बताया था। तो रेक्टेंगल टूल जो था हमारा, वैसे तो ये सिंपल रेक्टेंगल टूल है, बट आप पे डिपेंड करता है कि आप इसका यूज़ कैसे करते हो। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे न्यू लेयर लेती हूँ। न्यू लेयर लेने के बाद नीचे वाला जो लेयर है उसको मैंने ऑफ कर दिया, ताकि मेरा पेज जो है वो ट्रांसपेरेंट हो। फिर मैंने रेक्टेंगल टूल लिया, और रेक्टेंगल टूल लेने के बाद मैं जैसे चाहूँ वैसे इसको ड्रैग करके ब्रश बना सकती हूँ। आप सिर्फ रेक्टेंगल टूल ही नहीं, आप चाहो तो एलिप्स टूल लेके भी ब्रश बना सकते हो। जैसे ऐसे ड्रैग करके एक शेप डिफाइन किया, और इसमें ऑल्ट बैक स्पेस के साथ कलर फिल किया, फिर एक और शेप डिफाइन किया, और फिर इसमें ऑल्ट बैक स्पेस करके कलर फिल किया। ऐसे करके आप जो भी डिज़ाइन चाहो वो डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हो। इस तरह से मैंने इस टाइप का डिज़ाइन बना लिया। अब मैं इसको इस तरह से माउस को ड्रैग करके, सेलेक्ट करके और कंट्रोल टी करके, सॉरी यहाँ पे सिलेक्शन है, इसको हम पहले कंट्रोल डी करके डी सेलेक्ट कर लेंगे। और हमने इसको सेलेक्ट किया और कंट्रोल टी किया, और इसको रोटेट करेंगे। जैसे भी चाहो वैसे रोटेट कर सकते हो आप। एंटर करेंगे, कंट्रोल जे करेंगे, फिर से कंट्रोल टी करेंगे। कंट्रोल जे करने से जो फाइलें होती है उनकी उनका डुप्लीकेट हमारे सामने आ जाता है। तो इस तरह से होगा। फिर हमने एंटर किया, फिर हमने कंट्रोल जे किया, और इसकी एक और कॉपी आ गई हमारे पास। फिर हमने कंट्रोल डी किया, और इस तरह से। तो आप देख सकते हो इस तरह का डिज़ाइन बन के हमारे सामने आ गया है। मैं इसको माउस ड्रैग करके एक साथ सेलेक्ट कर लिया यहाँ पे तीनों लेयर, या फिर यहाँ पे आप आके कंट्रोल के साथ या शिफ्ट के साथ भी सिलेक्शन कर सकते हो। और मैं इसको कंट्रोल ई करूँगी। कंट्रोल ई मीन्स मर्ज। तो इनको मैं मर्ज कर देती हूँ। मर्ज करने के बाद हम एडिट में जाएंगे। एडिट में आप डिफाइन ब्रश प्रीसेट देख सकते हो। तो इस पे क्लिक करने के बाद आपके सामने ऐसा ऑप्शन आएगा ब्रश की नेमिंग करने के लिए। तो आप ब्रश को कोई भी नाम दे सकते हो, जैसे मैंने ब्रश को पी नाम दे दिया। ओके किया, और अब मैं ये जो लेयर है इसको डिलीट कर दूंगी, ताकि मैं आपको दिखा सकूं कि हमारा ब्रश अप्लाई होने के बाद कैसा लगता है। तो मैंने उस ब्रश को वाले पेज को डिलीट कर दिया, और अब हम ब्रश लेंगे। और ब्रश सेलेक्ट करने के बाद आप देखते हो यहाँ पे आपको बहुत सारे ब्रशेस दिखते हैं, है ना। और अभी आपको बताने के थोड़े टाइम पहले मैंने दो ब्रशेस ऑलरेडी बनाए थे इस तरह से। इन ब्रशेस का यूज़ मैं जैसे चाहूँ फिर वैसे कर सकती हूँ। ब्रश बनाने का यही फ़ायदा होता है कि आपको डिज़ाइनिंग में ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है। तो इसको मैं वाइट कलर लेके ऑल्ट बैक स्पेस करके कलर फिल करती हूँ। और हम अब वो वाला ब्रश लेंगे जो हमने अभी बनाया है। ये मैं आपको बस एग्जांपल दिखा रही थी कि मैंने पहले जो ब्रश बनाया था वो रेक्टेंगल से बनाया था, और अभी जो बनाया है वो हमने बनाया है
एलिप्स टूल से। अब इसको आप क्लिक करो इस तरह से। आप देख सकते हो किस तरह से सर्कल सर्कल सा क्लिक होकर के हमारे सामने आया है। फिर मैंने थोड़ा सा येलो कलर लिया और इसके ऊपर अब मैं येलो कलर से फिल कर रही हूँ। फिर मैंने थोड़ा डार्क ग्रीन लेंगे थोड़ा, और डार्क ग्रीन लेने के बाद इस तरह से फिल करेंगे। फिर थोड़ा और डार्क ग्रीन लेंगे और ब्रश की साइज़ थोड़ी छोटी भी कर सकते हैं हम इस तरह से। तो आप देख सकते हो कितनी इजीली, कितना अच्छा सा ब्यूटीफुल सा बैकग्राउंड बन के हमारे सामने आ गया है। इस तरह से फ्रेंड्स आप कोई भी शेप, कोई भी डिज़ाइन बना के आप ब्रश बना सकते हो और उसको बिल्कुल ही इजीली किसी अपनी डिज़ाइन में यूज़ कर सकते हो। तो आई होप आपको समझ में आ गया हो। अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप मुझसे कमेंट में करके आप मुझसे पूछ सकते हो, या फिर आप मुझसे फेसबुक के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हो। और आप वीडियोस को बस देखते रहो और आई एम श्योर आप बहुत ही अच्छी डिज़ाइनिंग करना सीख जाओगे। आई थिंक डिज़ाइनिंग सेंस तो हमारे अंदर पहले से होता है, लेकिन उनके लिए हमें थोड़े शॉर्टकट्स, थोड़े सॉफ्टवेयर्स की ज़रूरत होती है जो मैं आपको सिखाने में हेल्प करूँगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लाइक शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब ऑन माई चैनल। और थैंक यू सो मच। थैंक यू। बाय बाय।